Assalamualaikum dear students, how are you all? Students, open your science workbook page number 12. Unit number 2, health and safety. Choose the correct answer. Number 1, which of these are way to look after your body? इसमें से कौन सा तरीका हमारी body की look after के लिए ठीक है? Drink clean water and eat healthy food. हमें साफ पानी और सेहतमंद गज़ा खानी चाहिए. गेट प्लान्टी ऑफ रेस्ट, हमें रेस्ट करना चाहिए अच्छा सा. एक्सरसाइज एंड ब्रीथ फ्रेश एयर, हमें एक्सरसाइज और ताज़ा हवा लेनी चाहिए. कि ऑल ऑफ दीज, यानी ये सब. तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. तो आपने डी पर टिक करना है. नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट सेफ. इसमें से कौन सा तरीका जो है वो ठीक नहीं है. रनिंग विद सीजर, क्या हमें भागना चाहिए सीजर्स के साथ. हैविंग स्विमिंग लेसन. स्ट्रोकिंग योर पेट कैट, क्या हमें अपने पेट कैट को तंग करना चाहिए, मारना चाहिए. ईटिंग फूड एट पार्टी, क्या हमें पार्टीज पे फूड जो है वो खाना चाहिए. तो इसमें से कौन सा तरीका जो है वो सेफ नहीं है हमारे लिए. सो रनिंग विद सीजर, यानी हमें सीजर के साथ भागना नहीं चाहिए. तो आपने ए पे टिक करना है. वी शुड नॉट ईट बेरीज फ्रॉम प्लांट्स वी डू नॉट नो बिकॉज दे माइट बी पॉइजन. Be too delicious, fill you up, have ants on them. हमें प्लांट से बेरीज को तोड़कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि वो जहरीली भी हो सकती हैं, वो मज़े की भी हो सकती हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं और उन पे पौधों के कीड़े भी मौजूद हो सकते हैं. सो बेरीज जो हैं वो जहरीली भी हो सकती हैं. तो इसलिए हम आपने नंबर ए पे टिक करना है. बी पॉइजन, यानी जहरीली भी हो सकती हैं. Which of these is not a healthy food? इसमें से कौन सा healthy food नहीं है. Banana, tomato, bread and French fries. So French fries is a right answer. Why should we follow rules? हमें rules को follow क्यों करना चाहिए. They hurt us, they keep us safe. कि उससे हमें नुकसान पहुंचता है, हम लोग महफूज रहते हैं. They are dangerous, वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं. They make us happy, कि वो हमें खुश रखते हैं. तो रूल्स जो हैं वो हमें सेफ रखते हैं. तो ऑल ऑफ यू टिक मार्क ऑन बी, दे कीप अस सेफ. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स, यूज वर्ड क्लाउड. फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक वर्ड क्लाउड दिया गया है. इसमें कुछ वर्ड्स हैं, 6 to 8, यंग, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी. इन वर्ड्स को आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है. टू स्टे हेल्दी, वी मस्ट नॉट ईट टू मच डैश फूड. हमें सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए. वी शुड ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर. हमें साफ पानी के 6 से 8 ग्लास जो हैं वो पीने चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज मेक अस स्ट्रॉन्ग. रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेल्दी फूड. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, फल और सब्जियां जो हैं, वो सेहतमंद गजाएं हैं. नाउ Part B, answer these questions. Why should we not tease animals? हमें animals को मारना या तंग क्यों नहीं करना चाहिए. Tease means मारना या तंग करना. Because all living beings feel pain. जिस तरह से हमें कोई मारता है तो हमें पेन जो है वो फील होता है, इसी तरह से डियर फ्रेंड्स एनिमल्स को मारने से, उनको टीज करने से उनको भी पेन फील होता है. सो इसका आंसर आपने लिखना है, बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स फील पेन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. हमें खाने से पहले अपने हाथों को क्यों धोना चाहिए. Because it is good for hygiene. क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. अगर हम अपने गंदे हाथों के साथ खाना खाएंगे तो हमें बहुत सी बीमारियाँ लग सकती हैं. So dear students, आपने इसका आंसर राइट करना है, because it is good for hygiene. ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. So dear students, fill the
दिस होमवर्क विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़. फी अमान अल्लाह.